हेलो एवरीवन वेलकम टू कॉम्पटिशन कम्युनिटी मेरा नाम है दीपिका पटेल और मैं आप सभी का कॉम्पटिशन कम्युनिटी के इस यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए इंग्लिश ग्रामर की एक लेक्चर सीरीज़ जिसका नाम है बेसिक इंग्लिश बूस्टर डोज पहले मैं सीरीज़ के बारे में थोड़ा सा आपको बता दूँ ये जो लेक्चर सीरीज़ है ठीक है ये किसी भी पर्टिकुलर एग्ज़ाम ओरिएंटेड नहीं होगी ठीक है जनरली होता ये है कि जब भी हम किसी एग्जाम की तैयारी करते हैं हम उनके पर्टिकुलर सिलेबस पे फोकस करते हैं और अल्टीमेटली जो होता है वो ग्रामर का स्ट्रक्चर ही रहता है तो अभी जो हम लोग करने वाले हैं इस सीरीज़ में जिस चीज़ पे चर्चा करने वाले हैं वो कोई भी एग्जाम ओरिएंटेड नहीं होगा बल्कि हम इंग्लिश ग्रामर के उन बेसिक कॉन्सेप्ट्स पे जाएंगे जो हमारे लिए हर जगह पे इम्पॉर्टेंट होते हैं जिनको कंप्लीट करके हम हमारे किसी भी एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए सो बेसिकली दस सीरीज़ कंटेंस ऑल दोज टॉपिक्स दैट आर रिलेटेड टू इंग्लिश ग्रामर आगे आने वाले सीरीज लेक्चर्स में हम लोग हर एक टॉपिक को डील करते जाएंगे ताकि आपकी थरो स्टडी हो सके इंग्लिश ग्रामर के सभी टॉपिक्स को लेकर के ठीक है तो चलिए शुरुआत करते हैं इस सीरीज़ का पहला लेक्चर जो इसका नाम रहेगा पार्ट्स ऑफ स्पीच ठीक है पार्ट्स ऑफ स्पीच की जो शुरुआत हम कहते हैं वो कहाँ से होती है वो होती है सेंटेंस से ठीक है शुरू करते हैं आज का लेक्चर देखिए आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा एक सेंटेंस लिखा हुआ है दे मी रीड आउट द सेंटेंस फॉर यू द बॉय यल्ड हेल्प एनी सॉ अ ब्रेव डॉग क्विकली रन टू द रेस्क्यू ये एक सेंटेंस है अगर हम सेंटेंस को डिफाइन करने जाएंगे तो वॉट इज अ सेंटेंस अ सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स

उसके यूजेज के पीछे कोई ना कोई पर्पस है कोई ना कोई मकसद है उसके यूज होने का राइट सो अकॉर्डिंग टू द वर्क दैट एनी वर्ड परफॉर्म्स इन अ सेंटेंस वी हैव कैटेगराइज डिफरेंट वर्ड्स इन डिफरेंट ग्रुप्स दोज वर्ड्स ग्रुप्स आर कॉल्ड एस पार्ट्स ऑफ स्पीच अब हम एक एक करके डिटेल में देखते जाएंगे क्या क्या होते हैं सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच उनका ब्रीफ डिस्कशन करेंगे एंड एट द एंड इसी स्टेटमेंट्स में हम फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे कि कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है हम लास्ट में हम ये चेक करेंगे कि क्या हम पार्ट्स ऑफ स्पीच को पहचान पा रहे हैं या नहीं राइट ओके सारिंग विद द फर्स्ट वन द फर्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच इज नाउंड नाउन क्या होता है नाउन इज़ द नेम ऑफ अ पर्सन प्लेस एनिमल थिंग कंडीशन क्वालिटी और आइडिया किसी भी चीज़ का नाम नाम जो होता है वो होता है नाउन ठीक है नेमिंग वर्ड नाउन जो होता है वो एक तरीके से नेमिंग वर्ड हो किसी भी चीज़ का नाम होकर अगर हम हिंदी में बात करें तो इन्हीं को ही हिंदी ग्रामर में हम संज्ञा कहते हैं ठीक है संज्ञा में भी हम लोग यही डेफिनेशन पढ़ते हैं कि किसी भी व्यक्ति वस्तु स्थान का बोध कराने वाले शब्द संज्ञा कहलाते हैं सो नाउन इज बेसिकली अ नेमिंग वर्ड एनी नेम दैट कम्स इन इज कॉल्ड अ नाउन राइट वी हैव एग्जाम्पल्स ओवर हियर लाइक नेम ऑफ अ पर्सन अमन नेम ऑफ अ प्लेस रायपुर नेम ऑफ अ क्वालिटी Honesty. Now, next. Second is pronoun. What are pronouns? Pronouns are words that are used as a replacement of noun. In order to avoid the repetition of noun, we use pronouns. Right? He, she, it, दे ये सारे प्रोनाउन हैं जो किसी भी नाउन की जगह पे यूज़ होते हैं ठीक है एक ही नाउन को बार 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 हमको यूज़ करना है अगर हम किसी पैर एक ही कॉन्टेक्स्ट पे हम लंबी बात कर रहे हैं तो उसी के हम लोगों को रिपीट करना पड़ेगा जैसे मैं अपनी बात अगर करूँ तो मुझे अपनी बात करने के लिए मैं अपने आप का रिप्लेसमेंट कर सकती हूँ आई के साथ में ठीक है अगर मुझे आपका नाम रे बोलना है तो आपके नाम को रिप्लेस कर सकते हैं यू के साथ में किसी लड़के का नाम होगा तो रिप्लेस होगा ही के साथ किसी लड़की का नाम होगा तो रिप्लेस होगा शी के साथ किसी नॉन लिविंग थिंग का नाम होगा तो उसे रिप्लेस करेंगे इट के साथ तो इसी तरीके से जो होते हैं वो नाउन के रिप्लेसमेंट में यूज़ होते हैं नाउन की जगह पे यूज़ होते हैं इन ऑर्डर टू अवॉइड द रिपिटेशन ऑफ राइट देन थर्ड थर्ड इज़ एडजेक्टिव एडजेक्टिव्स इसको हिंदी में हम कहते हैं विशेषण ये क्या करते हैं ये विशेषता बताते हैं दीज आर द वर्ड्स दैट क्वालिफाई क्वालिफाई वॉट क्वालिफाई नाउन और अ प्रोनाउन द वर्ड्स दैट डिस्क्राइब द क्वालिटीज ऑफ अ नाउन और प्रोनाउन कि कोई भी नाउन जो है वो कैसा है तो कैसे का जो आंसर देता है वो विशेषण या एडजेक्टिव कहलाता है जैसे लॉन्ग शॉर्ट टॉल राउंड ये सारे क्वालिटीज़ हैं ठीक है आप अभी बहुत ज़्यादा परेशान मत होइए बच्चों हम आज जो कर रहे हैं हम एक ब्रीफ़ डिस्कशन कर रहे हैं सभी पार्ट्स ऑफ स्पीच को लेकर के आगे आने वाले लेक्चर सीरीज में एक एक पार्ट ऑफ स्पीच को हम डिटेल से डिस्कस करेंगे क्या उसके डेफिनेशन होती है क्या उसके टाइप्स होते हैं क्या उससे रिलेटेड रूल्स होते हैं और हम सारे टॉपिक से रिलेटेड डिफरेंट क्वेश्चन को भी प्रैक्टिस करेंगे ताकि हमें उस पर्टिकुलर पार्ट ऑफ स्पीच का थरो स्टडी मिल जाए ठीक है तो ये तो थी एडजेक्टिव की बात आगे बढ़ेंगे अगर हम तो आगे नेक्स्ट होता है वर्ब क्रिया इसे हम हिंदी में कहते हैं क्रिया वॉट इज अ वर्ब वर्ब्स आर द वर्ड्स दैट डिनोट एनी काइंड ऑफ एक्शन और स्टेट ऑफ एनी एक्शन ठीक है एक्शन डिनोटिंग वर्ड्स तो होते ही हैं वर्ब प्लस दो दो वर्ब दैट डिनोट द स्टेट ऑफ एनी एक्शन उसको भी हम क्या कहते हैं वर्ब ही कहते हैं ठीक है डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं वर्ब के विल डिस्क इन डिटेल्स देन सेकेंड इज एडवर्ब एडवर्ब क्रिया विशेषण हिंदी में इन्हें हम कहते हैं क्रिया विशेषण एडवर्ब वट इज एडवर्ब एडवर्ब इज अ वर्ड दैट इज़ यूज टू क्वालिफाई अ वर्ब एन एडजेक्टिव और एनी अदर एडवर्ब ये क्रिया विशेषण केवल और केवल वर्ब एडजेक्टिव एडवर्ब इनको क्वालिफाई करते हैं नाउन को नहीं ठीक है द बेसिक डिफरेंस बिटवीन एन एडजेक्टिव एंड एन एडवर्ब इज द सेम दैट एन एडजेक्टिव क्वालिफाइज अ नाउन और अ प्रोनाउन हाउ एवर एन एडवर्ब क्वालिफाइज अ वर्ब एन एडजेक्टिव और सम एनी अदर एडवर्ब राइट फॉर एग्जाम्पल स्लोली स्मार्टली क्लेवरली ओके हम आगे जब हम एडवर्ब्स को बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे देन विल बी एबल टू फाइंड आउट विच टाइप ऑफ एडवर्ब इज़ ठीक है बहुत सारे एडवर्ब के भी टाइप्स होते हैं एडवर्ब ऑफ मैनर होता है एडवर्ब ऑफ टाइम एंड फ्रीक्वेंसीज होते हैं इनके बारे में डिटेल से हम लोग चर्चा करेंगे बाद में ठीक है तो अभी तक का हम लोगों ने क्या कर लिया अभी तक हम लोगों ने नाउन पढ़ा नेमिंग वर्ड प्रोनाउन पढ़ा रिप्लेसमेंट ऑफ नाउन एडजेक्टिव पढ़ा क्वालिफाइंग नाउन क्वालिफायर ऑफ अ नाउन Then, verb, action denoting words, adverb, uh, qualifier of a verb, adverb, or adjective. Then, we have prepositions. Prepositions, kya hote prepositions are the words that are used before noun or pronoun to show a relation between different phrases, or we can say to relate a noun or pronoun to the other words in a sentence. प्रपोजिशन का काम ही यही होता है और अगर हम देखा जाए तो प्रपोजिशन बना हुआ है प्री प्लस पोजिशन से दैट मीन्स इसका खुद का पोजिशन आता है नाउन या प्रोनाउन के पहले इन अदर वेज वी कैन से दैट अ प्रपोजिशन इज फॉलोड बाय अ नाउन और अ प्रोनाउन ठीक है विल डिस्कस इन डिटेल्स वी हैव सट इन एग्जाम्पल्स ऑफ प्रपोजिशन ऑल्सो टू फ्रॉम फोर एट अब दीज आर दी एग्जाम्पल्स ऑफ एरियस प्रपोजिशंस राइट देन नेक्स्ट नेक्स्ट वी हैव कंजंक्शंस व्हाट आर कंजंक्शंस कंजंक्शंस आर द वर्ड्स दैट आर यूज्ड टू जॉइन डिफरेंट वर्ड्स फ्रेजेस क्लॉजेस एंड सेंटेंसेस ये जो कंजंक्शंस हैं ये कंजंक्शन जॉइनिंग वर्ड्स हैं जो केवल और केवल जॉइन करते हैं डिफरेंट डिफरेंट सेंटेंसेस को वर्ड्स को फ्रेजेस को आपस में जॉइन करने का काम करता है ये कंजंक्शन दी सर्टेन एग्जाम्पल्स आर एंड और बट फ सो so, ये सारे कन्जंक्शन के एग्जांपल्स हैं जिनके थ्रू हम दो वर्ड्स को सेंटेंसेस को फ्रेजेस को आपस में जॉइन करते हैं ठीक है इनके क्या रूल्स होने वाले हैं किस जगह पे क्या यूज़ होने वाला है वी विल स्टडी इट लेटर ऑन इन डिटेल देन इंटरजेक्शन इंटरजेक्शन जो होता है ये क्या होते हैं इंटरजेक्शन आर सर्टेन स्पेसिफिक वर्ड्स दैट आर यूज टू एक्सप्रेस सडन फीलिंग्स आर इमोशंस सडन फीलिंग्स एंड इमोशंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट जैसे फॉर एग्जांपल आप खुश हुए ठीक है आप खुश हैं आपकी लाइफ में सब बहुत अच्छा चल रहा है सब आपके आसपास के लोग आप खुश हैं सब आपको देख के पसंद करते हैं आपको बातें करते हैं सो so, आप खुश हैं सो दैट इज़ यू आर हैप्पी यू आर हैप्पी लेकिन अब अचानक से क्या हो जाए अचानक से ऐसा हो जाए कि आपका फेवरेट टीम मैच जीत जाए ठीक है क्रिकेट प्रेमी ठीक है आपके फेवरेट टीम है वो मैच जीत जाए तो एकदम से जो लास्ट शॉट पड़ता है एंड द विनिंग वन जब डिक्लेयर होता है कि दैट इज द विनर फिर क्या होता है यू येल लाइक अ हुर्रे सो दैट like, हुर्रे इज द वर्ड दैट एक्सप्रेस्ड योर सडन हैप्पीनेस आप सडनली खुश हो गए तो आपने हु्रे चलाए अब अचानक से आप रास्ते पे जा रहे हों अचानक से आपको आपकी आपको दुकान पे एक बहुत अच्छी सी सुंदर सी ड्रेस दिखने को मिल गई दैट सरप्राइज यू तो आपको के कैसा लगता है वाओ सो ये जो वाओ निकला आपका ना दिस इज इंटरजेक्शन द वर्ड दैट आर यूज टू एक्सप्रेस योर साडन फीलिंग्स आन इमोशंस ठीक है बहुत बार होता है कि हम इसको भूल जाते हैं जब भी हम पार्ट ऑफ स्पीच की बात करते हैं तो हम इनको भूल जाते हैं बट देन दे डू हैव येयर ओन एग्जिस्टेंस ठीक है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेज में जब हमें अपने सडन फीलिंग्स एंड इमोशंस को डिस्क्राइब करना होता है तो यही कुछ वर्ड्स होते हैं लाइक हुस अलास फॉर सोरो है ना दुख के लिए हम लोग अलास करके यूज़ करते हैं सो दीज आर दीज इंटरजेक्शंस सो दीज एट आर बेसिकली दी पार्ट्स ऑफ स्पीच आठ पार्ट ऑफ स्पीच शब्दों के जो भेद होते हैं हिंदी में भी हम शब्दों के आठ भेद पढ़ते हैं सो इन इंग्लिश ग्रामर ऑल्सो वी हैव एट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच Along विद दिस there इज़ वन मोर थिंग एडेड ऑन अब मॉडर्न इंग्लिश में उसको भी पार्ट ऑफ स्पीच में इंक्लूड कर लिया जा रहा है बट दैट इज एक्चुअली नॉट इन बिटवीन दीज इट्स अ पार्ट ऑफ दैट ओके what इज दैट दस हज़ार आर्टिकल्स ये जो आर्टिकल्स होते हैं ए एंड द ये जो होते हैं ये डिफरेंट वर्ड्स होते हैं जो किसी भी नाउन या नाउन की डेफिनेटनेस को बताते हैं कि कोई भी नाउन डिफाइंड है कि नहीं है स्पेसिफिक है कि नहीं है डेफिनेट है या नहीं है ठीक है डेफिनेट एंड इनडेफिनेट नाउन्स को अलग अलग कैटेगराइज करने के लिए हम इन आर्टिकल्स का प्रयोग करते हैं वैसे देखा जाए तो ये जो आर्टिकल्स हैं ये एक तरीके से डेटर माइनर हैं ये क्या है डेटरमाइनर हैं। डेटर माइनर को अगर मैं चाहूँ अगर मैं पूछूँ कि हम इन पार्ट एट पार्ट ऑफ स्पीच में क्या कहीं रख सकते हैं तो आंसर होगा यस हम इन्हें एडजेक्टिव की तरह रख सकते हैं क्योंकि एडजेक्टिव ही नाउन की क्वालिटी को बता रहा है ठीक है अगर किसी भी चीज़ का डेफिनेट होना या ना होना ये भी उसकी एक अपने आप में इनहेरेंट क्वालिटी ही है तो अल्टीमेटली देखा जाए तो आर्टिकल्स एक तरीके से एडजेक्टिव्स का काम करते हैं तो अगर हमारे पास सवाल आए कि हम आर्टिकल्स को किस पार्ट ऑफ स्पीच के अंदर रखें तो उसका जो काम है वो एडजेक्टिव के काम के साथ में मैच आउट होता है ठीक है तो ये तो था बेसिक डेफिनेशन सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच का लेट्स गिव इट अ क्विक रिविजन ठीक है हमने सबसे पहला था सबसे पहले पढ़े थे नाउन वॉट इज़ नाउन नाउन इज़ अ नेमिंग वर्ड अ वर्ड दैट टेल्स अस अबाउट द नेम ऑफ अ पर्सन और प्लेस और एनिमल और थिंग और कंडीशन एंड क्वालिटी देन प्रोनाउन वॉज अ वर्ड यूज एज अ रिप्लेसमेंट ऑफ नाउन एडजेक्टिव इज अ वर्ड दैट इज़ यूज एज अ क्वालिफायर ऑफ नाउन वर्ब इज़ अ वर्ड दैट डिनोट्स एनी काइंड ऑफ एक्शन Adverb is a word that qualifies the verb, adverb, or adjective. Preposition is a word that shows a relation between different words and phrases. Conjunction is a joining word that are used to join different words, sentences, and phrases. Interjection are the words that are used to describe sudden feelings and emotions. And at the end, articles are the words that are used to define the definiteness of a noun. नाउन डेफिनेट है या नहीं है इसको बताया जाता है ठीक है तो बेसिकली ये सारे नौ पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं ओके सो वॉट वी डू हम इन सेंटेंस ये जो सब सेंटेंस सबसे पहले हमने पढ़ा था विल ट्राई एंड विल ट्राई टू कैटेगराइज विथ पार्ट ऑफ स्पीच ईच वर्ड बिलोंग्स टू राइट जैसे सबसे पहले लेट मी रीड द होल सेंटेंस वंस अगेन द बॉय यल्ड हेल्प एंड ही सॉ अ ब्रेव डॉग क्विकली रन टू द रेस्क्यू अगर हम सबसे पहले नाउन की बात करें तो हमें देखना चाहिए कि नाउ नाम क्या क्या है ठीक है जैसे अगर हम देखें द द क्या बताता है द बॉय है बॉय बोल रहे हैं से बॉय किसी लड़के का नाम है किसी एक जाति को बता रहा है इट एक्चुअली अ कॉमन नाउन ठीक है तो ये क्या है एक नाउन है बॉय ठीक है द इसको बता रहा है द बॉय दैट मीन्स ये स्पेसिफाई कर रहा है हम किसकी बात कर रहे हैं सो द इज़ एन आर्टिकल यल्ड यल्ड का मतलब होता है चिल्लाना ठीक है येल्ड का मतलब होता है चिल्लाना तो चिल्लाना क्या है एक काम है क्रिया है तो चिल्लाना जब काम है दैट इज अ वर्ब क्या है क्या हेल्प सो so, वो डर गया होगा किसी चीज़ से एंड डरने के बाद में उसके मुँह से हेल्प निकला सो इट्स अ काइंड ऑफ सडन फीलिंग्स एंड इमोशंस तो ये जो सडन फीलिंग एंड इमोशन है ये कौन बताता है इंटरजेक्शन सो दिस वर्ड हेल्प इज इंटरजेक्शन एंड 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 बोल करके हम क्या कर रहे हैं हम ज्वाइन कर रहे हैं कि एक सेंटेंस है द बॉय यल हेल्प बॉय हेल्प चिल्लाया दूसरा सेंटेंस है ही सो अ ब्रेव डैग क्विकली रन टू द रेस्क्यू और उसने देखा पहला तो उसने काम किया पहला तो उसने चिल्लाया और उसने देखा तो ये दो अलग अलग काम हुए इनको जब हमें एक साथ बोलना है जोड़ना है तो हमें इस कंजंक्शन की जरूरत पड़ रही है हम इसकी बात कर रहे हैं ठीक है एंड की बात कर रहे हैं ओके okay. देन ही ही क्या है ही किस को बोल रहा है ही अगेन इस बॉय को रेफर कर रहा है तो ही इस बॉय को रेफर कर रहा है देट मीन्स इट्स अ नाउन नाउन को रेफर करने वाला नाउन की रिप्लेसमेंट की तरह यूज़ हुआ है तो so, ये क्या है ये एक प्रोनाउन है ठीक है देन ही सौ सौ मतलब देखना इट्स अ पास्ट फॉर्म ऑफ वर्ड सी सी का होता है सी सौ सी ठीक है तो सौ जो होता है पास्ट फॉर्म ऑफ सी है सी मतलब देखना देखना एक काम है काम है मीन्स वर्ब राइट ए ए डिफाइंड ए बोल करके हम ये बता रहे हैं एनी वन ए बोलने का मतलब होता है एनी वन एनी वन तो एनी वन दैट इज नॉट डिफाइंड और एक्चुअली नॉट डेफिनेट तो इनडेफिनेट चीजों को बताने के लिए तो ए इज एन आर्टिकल देन ब्रेव डॉग अब देखिए डॉग के बारे में बात कर रहे हैं डॉग अगेन एक कम्युनिटी एक जाति को डिनोट करता है डॉग नाउन है डॉग कैसा डॉग डॉग कैसा है तो डॉग कैसा का आंसर दिया उसने कि डॉग ब्रेव है बहादुर है तो इस डॉग की क्वालिटी को बताया कि डॉग कैसा था डॉग ब्रेव था तो ब्रेव क्या है ब्रेव एक एडजेक्टिव है देन क्विकली डॉग ब्रेव and he saw a brave dog quickly run run अगेन क्या हुआ दौड़ना दौड़ने का मतलब होता है काम काम इज वर्ब कैसा दौड़ा डॉक्टर जो डॉग है सॉरी डॉग डौ, डॉग कैसे दौड़ा क्विकली दौड़ा क्विकली का मतलब होता है जल्दी से तो जल्दी से दौड़ा यानी मीन्स वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है ये रन वर्ड को क्वालिफाई कर रहा है क्विकली तो रन को क्वालिफाई करने वाला वर्ड हो गया एडवर्ब वर्ब को क्वालिफाई करने वाला वर्ब हो गया एडवर्ब देन टू द रेस्क्यू यहाँ पे टू जो है टू दिखा रहा है रन और रेस्क्यू मतलब क्विकली रन और रेस्क्यू के बीच का रिलेशन टू इज अ प्रपोजिशन द अगेन अ डेफिनेटनेस ऑफ समथिंग तो ये हो गया आर्टिकल देन रेस्क्यू रेस्क्यू ये है नाउन रेस्क्यू का मतलब हो रहा है बचाव ठीक है तो बचाव यहाँ पे हम उस एक्शन का नाम दे रहे हैं तो एक्शन का नाम है नाउन राइट तो आज के लेक्चर के लिए हम लोग इतना ही करेंगे आज हम लोगों ने जो भी किया हम लोगों ने क्या किया हम लोगों ने एक ब्रीफ डिस्कशन किया सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच को लेकर के ठीक है आ, उम्मीद है आप सभी को ये पसंद आया होगा आप सभी लोग इसके बारे में बेसिक चर्चा मतलब ऑलरेडी आप लोग पढ़ चुके हैं इसके बारे में हम एक एक पार्ट ऑफ स्पीच को इन डिटेल डिस्कस करने वाले हैं ठीक है आगे आने वाले लेक्चर्स के साथ जुड़े रहिए आपको हर एक टॉपिक के साथ में उनके रिलेटेड रूल्स उनसे रिलेटेड डिफरेंट क्वेश्चन वो सभी कुछ देखने को मिलेंगे ठीक है मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में तब तक के लिए थैंक यू थैंक यू सो मच